हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फैस्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर म्यूजियम वाले पार्ट को लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई थी और सेकेंड वाले पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग में से एक है और उन्होंने कंसेप्ट ही कुछ इस तरह का बनाया कि फ्यूचर में क्या होगा। देखो ये देखो भाई, फ्यूचर म्यूजियम में फ्यूचर की चीज़ें ये स्टार्टिंग है। और यहाँ पर अभी मेरी सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई, उन्होंने बोला कि आपको टिकट लेनी पड़ेगी तभी आप जा सकते हो अंदर। तो टिकट के लिए सॉरी पीछे आज दिखाता मैं आप लोगों को, लेकिन अभी अभी मुझे एक कॉल आई है मेरे फ्रेंड की, वो बीमार है एकोमोडेशन में हमारे, तो मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी। बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस लोकेशन को एक बार फिर से। ये देखिए कितने सारे बंदे आए हुए हैं, सारे के सारे टिकट के लिए अपना वेट कर रहे हैं। और ये है फ्यूचर म्यूजियम, बाकी मैं बाहर से भी दिखा दूंगा आप लोगों को क्योंकि बाहर से किस तरह का नजर आता है फ्यूचर म्यूजियम। तो बाकी शोर शराबा भी बहुत ज्यादा आ रहा होगा, मे बी माइक भी आप लोगों को मेरा साउंड अच्छा लग रहा होगा, आप तक पहुंच रही होगी मेरी आवाज या नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से जोर जोर से बोलने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। तो ये है, ये देखो यहाँ पे देखो ये आ रही है, ये फीस बनाए फीस कैसी है कि ये फ्लाई कर रही है। तो मे बी माइक भी इस तरह का कुछ कंसेप्ट इन्होंने बनाया है कि आने वाले फ्यूचर में जो मछलियां हैं वो भी आसमान में उड़ेगी, और हो भी सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है भाई। कि एग्जिट कर दिया है, मैं तो से उतर गया हूँ और ये हम मुझे जाना है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, तो इस साइड को है और चलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की तरफ। बाकी ये लोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, जैसे मैं उतरा यहाँ पे। तो उतरने के बाद ये देखो कुछ इस तरह का है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा आप लोगों को फ्यूचर म्यूजियम। तो ये देखिए कुछ ये है, तो बाकी अब चलते हैं यहाँ से। ये कौन सी गुफा जैसी आ गई भाई वहां पे, कौन सी टनल आ गई वहां पे देखते हैं। तो हम भी चलते हैं इसी टनल से, देखते हैं कि भाई वाह यार मस्त लग रहा है। तो चलो मैं ये जो आपको मेरा पार्ट दिख रहा है इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ लोकेशन ही दिख। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रोहतांग की वो टनल पार कर रहा हूँ और बर्फ गिरी है, बर्फ जम गई है जैसे। ये तो ये है, मजा आ रहा है आप लोगों को, आप बताइए आप लोगों को भी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस साइड को साइड में भी एग्जिट है और आगे को है, तो ये देखो। तो आप सभी भाइयों के लिए जाता हूँ अलग अलग लोकेशन पर, अपना मेट्रो में भाई खर्चा भी हो रहा है, साथ ही आपको एक बार टैक्सी भी लेनी पड़ रही है, लेकिन अपने लिए भी अच्छा है क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, साथ के साथ आप लोगों को भी मैं मतलब ये चीजें दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखेंगे आप यहाँ पे साइन बोर्ड पे शाइन करके लिखा हुआ है एमरेस्ट टावर, तो ये वाली साइड गई एमरेस्ट टावर के लिए। और यहाँ से मैं जैसे ही लेफ्ट लेता हूँ तो लेफ्ट वाली जा रही है फ्यूचर म्यूजियम के लिए। तो ये है भाई, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है सारा हर चीज एवरीथिंग यहाँ पे, देखो ये कुछ बहुत ही मस्त और सुंदर सा लग रहा है ये फ्यूचर। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ फ्यूचर म्यूजियम में और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं आने वाले फ्यूचर का एक कंसेप्ट है। तो मैं भी माइक भी आने वाले फ्यूचर के टाइम में मछलियां कुछ इसी तरह से उड़े हवा में, तो थोड़ा मछली के ऊपर जूम करता हूँ मैं, दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप भी इसको। तो भी बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, तो आप लोगों ने ऐसे ही बने रहना है मेरे साथ और सपोर्ट करना है। पसंद आए आप लोगों के वीडियो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, कमेंट में ये भी लिखना है कि कमी क्या रह गई है, और जो भी आप लोगों की सजेशन होगी वो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मुझे, आप लोगों की सजेशन को मैं 100% पूरा करने की पूरी ट्राई करूंगा। तो ये देखो कुछ इस तरह का है, ये देखो। तो चलिए चलते हैं आप नीचे, नीचे जाते हैं और फिर वहां पे टिकट वगैरह लिया जाता है, लेकिन अभी मैंने जो आप लोगों को बताया कि आज ना टिकट ले पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है मेरी, ना पैसा है, सॉरी ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन हाँ रियलिटी यही है। बट हाँ काश मतलब मेरी जो छुट्टी है 2 दिन 12 आती तो उस टाइम पे मेरी सैलरी भी आ जाती है, लेकिन वही बोला मैंने जब भी प्लानिंग करनी हो अपने टूर की आप लोगों ने, तो अच्छे से करो हर चीज को सोच समझ के। बाकी मुझे
इसकी प्लान से ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा फ्रेंड है, उसने जैसे कि मुझे बोला कि वो बीमार है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये देखिए भाई अंदर से फ्यूचर म्यूजियम कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। बाकी टिकट लेने के बाद कुछ और ऑसम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें, तो अभी तो फिलहाल यही है। बिना टिकट के ही इतना मस्त लग रहा है ये, तो टिकट लेने के बाद भाई क्या क्या लोकेशन पर होगा इसमें ये आप लोगों को वहीं पे पता चलेगा। तो फिलहाल ये आज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी ये चीजें, क्योंकि आज टिकट भी नहीं ले रहे हैं हम, नहीं तो वो सारी चीजें होने वाली है। बट आपको यही बने रहना है कंटिन्यू मेरे चैनल के ऊपर। मेरी माइक भी मैं ये बोल सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि भी हाँ मैं नेक्स्ट वाला ब्लॉग इस पे डालूंगा। बट हाँ, बहुत ही जल्द हो भी सकता है कि नेक्स्ट वाला ब्लॉग इसके अंदर का मिले आप लोगों को। ये देखिए, ये इस तरह से लिफ्ट लेके अंदर जाते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ प्राइस वगैरह भी कंफर्म करके बताता हूँ यहाँ पे कि कितना प्राइस है इसका, फ्यूचर म्यूजियम का टिकट का कितना रेट है। तो ये देखिए, ये मशीन लगी हुई है फ्यूचर म्यूजियम की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे जनवरी 6, 2024 को, सॉरी वी आर सोल्ड आउट ऑफ टुडे। तो ये मशीन कुछ खराब है, बट यहाँ पे देखो ये शायद मे भी कंटिन्यू इंग्लिश आप ले सकते हो। और ये है एंट्री फीस, देखो यहाँ पे 149 AED तो ये फीस है फ्यूचर म्यूजियम की। बाकी ये कुछ जानकारी भी है, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे यूजिंग कार्ड भी है, आप यहाँ पे कार्ड वगैरह को यूज करके भी मतलब यहाँ से टिकट अपनी ले सकते हो। तो ये है कुछ इस तरह से। बाकी ये देखो, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये टिकट लिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी अपना अपना टिकट ले रहे हैं, यहाँ से एंट्री टिकट ले रहा है। और एंट्री टिकट लेना मतलब कंपल्सरी है, बिना एंट्री टिकट के मतलब आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा फ्यूचर म्यूजियम का। तो टिकट का प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और लोकेशन कैसी लग गई आप लोगों को जरूर बताइएगा इसके बारे में भी मुझे। ये देखो मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बिना टिकट के इतना मजा आ रहा है। तो टिकट लेके अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नई न्यू इन्वेंशन वगैरह होंगी। जैसे आप लोगों ने ये देखा, एक कंसेप्ट है यहाँ पे जो फिश फ्लाई कर रही थी, तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं। तो अभी चलता हूँ यहाँ पे, और डोर भी देखो यहाँ पे कैसे डोर है इनके, देखो मिरर, देखो इससे हम मूव हुए। और ये है, अभी पहुंचे यहाँ पे बाहर। बाहर पहुंचने के बाद दिख रहे हैं भाई दो टावर मेरे पीछे बड़े बड़े। हाँ बेट, और ये देखिए ये फाउंटेन वगैरह के लिए पानी है यहाँ पे, ये और देखिए देखिए ये है फ्यूचर म्यूजियम। बाहर से मतलब जो दिखता है ना, जैसे आप लोगों ने सर्च किया होगा कभी भी या गूगल पे यूट्यूब पे देखा होगा, तो बाहर से इतना अट्रैक्टिव है, तो अंदर सोचो जब आप जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा कि आज मतलब आधा ही रहा है, मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है आधी अधूरी कोई भी चीज आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ये देखो ये है फ्यूचर म्यूजियम जो दिखता है, जिसका फोटो डाला होता है सभी ने। ये बाकी बैक कैमरा से मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि बैक कैमरा से किस तरह का दिखता है। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर ही एंडिंग। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा अपने भाई को, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ अलग अलग लोकेशन पर अपना पैसा लगा कर। अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई है, तो मैं विजिट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मेरे लिए भी अभी नई चीज़ें हैं ये, बाकी आप लोगों को भी नॉलेज बढ़े और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा आने वाले फ्यूचर टाइम में, कि आप लोगों को मैं जॉब्स के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दूँ और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन तो देता ही रहूँगा दुबई के बारे में। बाकी आप लोग भी बताइएगा, चाहे वो भी लोकेशन आप देखना चाहते हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं जाऊँगा विजिट करूँगा।